एक काशी की मंडली आई हुई थी। मंडलेश्वर बड़े विद्वान थे, साथ में भी बहुत अच्छे अच्छे विद्वान थे मंडली का। वहां पर एक प्रचार हुआ, एक गांव का ठाकुर भी वहां गया था शहर में, तो उसने कहा कि महाराज हमारी कुटिया भी पवित्र हो जाए। तो वहां के साहूकारों ने मंडली को वहां बुलाया तो वे ठाकुर साहब भी थे। निमंत्रण आया तो निमंत्रण में ठाकुर साहब ने कहा कि एक दिन हमारा भी घर पवित्र हो जाए, उसके लिए आप थोड़ा सा हमारा निमंत्रण स्वीकार करो। तो निमंत्रण स्वीकार करो तो ठीक है, कह दिया अमुक दिन आपकी रसोई होगी। तो वो रसोई आ गई, उस दिन भोजन आए, सब लोग पंडित बैठ गए, सभी पंक्ति बैठ गई। और वो फिर ठाकुर साहब थे बूढ़े, तो वे आए पीछे उस हलवा का दुकड़िया लेकर के, महाराज थोड़ा मेरे हाथ से, मंडलेश्वर युग थोड़ा मेरे हाथ से। तो वो आग्रह किया तो महाराज हंस पड़े, मंडलेश्वर जी हंस पड़े। तो हंसने से कहा कि महाराज हंसे कैसे, तो कहा भाई हंसे के पूर्व बात याद आ गई। क्या बात हुई, तो कहा कि मांगी मिले न राबड़ी, करूं कहां लग वरण, अब मोहन भोग गले में अट गया संतों की शरण। क्या बात है महाराज, तो पूछा कि आपके ही बिरादरी में आपके ही जाति का अमुक जो एक परिवार था वो परिवार है कि महाराज वो तो परिवार कभी का मर गया। अरे भाई उनका परिवार है, पूछा कि महाराज कोई नहीं है, एक छोरा था, एक छोरा उस परिवार में, कि वो कहाँ है, कि महाराज वो कहाँ है पता नहीं। तो क्या कि लोगों ने बड़े बूढ़ों ने कि वो बथरा चराया करते, ठाकुर साहब के गायों का बथरा चराया करते, अरे वो आया करता था। तो कई दिन देखा, फिर उसको देखा नहीं, पता नहीं कहाँ गया, उसके वंश में एक छोरा बच्चा वो भी पता नहीं कहाँ गया। तो मंडलेश्वर बोले कि वो ही मैं हूँ। हंसी आ गई कि मैं बथरा चर के तरा कर दोपहर में आया, यहाँ मिला तो रोटी सूखी बाजरी की दे दी। तो मैंने कहा राबड़ी तो दो, थोड़ी राबड़ी सास में तो खा लें, तो बड़ाना होती है वो तो मर जाती ऐसी है ही। बोले कि जा जा वो घूंगा वह लिया वो रात की रोटी ठंडे पौधे बना दी, खबे तो खा लेना जा। तो भूखा था और ये तिरस्कार हुआ, तो कई बार तिरस हुआ तो एक दिन मैं चल दिया यहां से। चला गया तो एक संतों की मंडली आई हुई थी, वहां गया तो बढ़िया भोजन मिल गया, भोजन मिल गया। अरे छोरा तेरे को माँ बाप है कोई नहीं है, साधु हो जाएगा। हाँ साधु हो गया, अरमान पढ़ा दिया, वो याद मैं हूँ। तो मांगे और आंगन वही है, मांगी मिले न राबड़ी, राबड़ी नहीं मिली इसी आंगन में। और ठाकुर स्वयं आज कहते हैं कि थोड़ा हलवा ले लो, मेरे को हंसी आती है। मांगी मिले न राबड़ी, करूं कहां लग वरण, मोहन भोग गले में अटके आ संतों की शरण। संतों की शरण गया जन आज मोहन भोग अटक गए, तो भगवान संयम ले ले, संतों की शरण हो जाए तो भाग बदल जाए। राबड़ी नहीं मिलती रुकी जगह, ठाकुर खुद जो हलवा लो सा हलवा लो, तो जो संयम करे भजन करे उसका भाग्य बदल जाता है, उसका जीवन बदल जाता है, संसार में अवस्था बदल जाती है। भजन करे पाताल में प्रगट होता आकाश, दाबी दुबी नहीं बस है ये कस्तूरी की बात, कस्तूरी की बात सौगंध से दूर जाएगी। देख कस्तूरी सौगंध है तो सुगंध दिया तो आवास जाएगी। ऐसे भजन करेगा संयम करेगा तो जीवन कितना उत्तम हो जाता, कितना श्रेष्ठ हो जाएगा। वो श्रेष्ठ नहीं करना, काम वृद्धि बढ़ाना, दुराचार बढ़ाना, व्यभिचार बढ़ाना, ये मनुष्य का धर्म है क्या? पशुओं से नीचा है वो, पशु से बेचारे का एक महीना होता है, कुत्तों का एक आधी महीना होता है। आजकल कुछ ज्यादा हो गया भी, क्या सजा करे, नारायण नारायण नारायण। तो भाई संयम रखो, आपके संतान संयम रखो, जिसमें शरीर भी ठीक होगा, एक दो संतान हो गए तो ठीक होगा। और फिर कोई जरूरत नहीं है, आपका वंश कम रहेगा तो आप बलवान संतान हो तो सर के साथ में मुकाबला कर सकोगे। वो भोगों से शहीद हो जाएगा निर्बल, और विदेशी हो जाएंगे ज्यादा, और उनके युद्ध होगा तो आप ही मारे जाओगे, पहले अपने खत्म हो जाएंगे, फिर निर्बल मालूम हो जाओगे, संयम रखो तो बलवान बन जाओगे, तो विजय करोगे आप। हमारे कोई आग्रह नहीं है, परंतु ये नीति खराब है, नीति ठीक नहीं है।
उचित नहीं है, हम दंड दे देंगे भाई। बहुत वर्ष है, 25-30 वर्ष की बात है, हमारे मित्र थे हरी प्रसाद जी, वो कहते आपको कैद कर देंगे, आप राजद्रोही हो। हमारे राजद्रोह है ही नहीं, तुम राजद्रोही हो, राजा के सामने द्रोही है, राजा के सामने द्रोही कैसे टिकेंगे? क्या हमारी ताकत है राजा के सामने बैर करें? ये जनता के लिए ठीक नहीं है। साधुओं ने मेरे को कहा 1925 उस समय में हमारे शीतल में रामदार हुआ था तमाशा 25 साल में, तो मैंने कहा, तो साधुओं ने कहा ये काम तो गृहस्थों का है, तुम साधु और क्यों करते हो? वो गृहस्थ होंगे तो साधु सुनाएंगे, गृहस्थ नहीं साधु किसको सुनाएंगे? हम ईसाइयों को सुनाएंगे, मुसलमानों को सुनाएंगे, यहूदियों को सुनाएंगे, पारसियों को जाकर सुनाएंगे, किसको सुनाएंगे बताओ? तो ये सुनने वाले नष्ट हो जाए तो हम किसको सुनाएंगे? तो किसी तरह से ये लौकिक दृष्टि से, पारलोक की दृष्टि से, जनता की दृष्टि से, नीति की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से, संघीय शक्ति कलौ युगे और वोट का जमाना, वोट के जमाने में जनता घटाते हो तो वोट घटेगा, बढ़ जड़ेगा, उनका राज्य होगा, समझता क्या दशा होगी? अरे भाई लगा किस दशा है राजा का? यथा राजा तथा प्रजा, राजा हुआ सिनेमा में, पुस्तकों में, व्याख्यान में, भजन कराओ कराओ कराओ, लोगों के संस्कार भर दिए, उस वाले से सभी लोग करने लगे। अरे विचार तो करो, अंधे गुर क्या जा रहे हो? लगाया अड़चन, गोरखपुर की बात है, नाम नहीं देता हूँ, उनके तुम्हारे ज्यादा हो जाए तुम्हारे परमिशन नहीं देंगे, व्यापार का नहीं दिया, उसने कराया ऑपरेशन ने कराया, मैं जानता हूँ। तो राज से लड़ने की बात नहीं है, सही में रखो अंदाजा, लड़ना नहीं पड़ेगा, शांति मिलेगी। मेरी बात करो, आप लोग सही रखो, मेरी बात सुनोगे तो मानो कब से कब, या नहीं मानो तुम्हारी मर्जी है, हम क्या करें? हमारे तो कुमार की हांडी है, अरे कुमार ये क्या था, हांडी चढ़ी नहीं कि तुम्हारी नहीं चढ़ी, मेरी तो चढ़ गई, जिस मेरी हांडी तो चढ़ गई, तुम्हारी फूटी, तुम जानो तुम्हारी, तुम मानो तो तुम्हारी चढ़ जाएगी। मनुष्य जीवन ही केवल जीवन नहीं है, पहले भी आप थे, पीछे भी नतीवन भविष्याम सर्वे मत परम, आप लोग पहले नहीं थे ये बात नहीं है, अगाड़ी नहीं रहेंगे ये बात नहीं है, आप स्वयं रहेंगे तो आपका दुराचार दुर्वण वो आपका पतन करेगा, और जितना सदाचार जितना संयम होगा आपका उद्धार करेगा। आप एक मनुष्य शरीर है जो उद्धार के लिए, उसको ही नाश करते हो भोगों में, और भोग योनि मनुष्य साधन योनि, साधन योनि में आकर साधित नहीं करोगे, भोगों में लगोगे, तो कौन सी जूनी है जिसमें उद्धार करोगे? आप बताओ, बता दो, खुले बताओ मेरे को, मनुष्य शरीर के सिवाय कौन सा शरीर है जिसमें जीव का उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है? कल्याण का मौका ये है वही भोगों में खूब लगा करके नष्ट कर देना, कहां तक बुद्धिमानी है? संयम रखने पर भी कठिनता होती है, कर नहीं सकते। अरे खुल की जाए तो एकादशी का व्रत के हम भूख रह नहीं सकते तो अन्न खाना पड़ेगा। अरे नियम रखा जाए एकादशी, कोई तो करेगा, जब कोई घर से हम तो नहीं रह सकते, साधु कह देंगे हम तो नहीं रह सकते, फिर ब्याह करो साधु ही, ये कोई बात है? नहीं रह सकते ये क्या है? ये तो पशु से नीचा है, पशु तो संयम रखते है, संयम नहीं करते, मनुष्य पशु से नीचे है, मनुष्य को पशु के समान बताया तो पशु नाराज हो गए।